हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल एम एस बी टी मेकओवर। आई होप आप सभी बढ़िया हो। मैं आज लाई हूँ फेस वैक्सिंग। इन्होंने रेज़र यूज़ किया था अपने फ्रेंड अपने फेस पे और इनके बहुत ही हार्ड बाल थे, तो अब मैं इनके रीका फेस वैक्स कर रही हूँ, फेस वाला वैक्स। तो मैं इनके थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेके ही कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना है मेरी टेक्निक से। आप बिल्कुल थोड़ा सा पहले वैक्स को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए तो इस प्रकार से मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को ले रही हूँ, ताकि उनकी स्किन में पेन भी ना हो और अच्छे से हेयर भी रिमूव हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने पट्टी लगाई है, और पट्टी को भी आप टू पार्ट्स में कर लेंगी डिवाइड, और थोड़ी छोटी छोटी ही पट्टियाँ ही यूज़ कीजिएगा। इस प्रकार से देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही पट्टी यूज़ कर रही हूँ आधी आधी, और बस एक बार यूज़ कर रही हूँ और स्टेप से क्लीन कर दे रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा ही। फ्रेंड, आप भी थोड़े थोड़े ही पार्ट्स लेके ही यूज़ कीजिएगा, और अच्छा वैक्स होगा और आपके छोटे से छोटी इनग्रोथ भी क्लीन हो जाएगी इस वैक्स के थ्रू। तो ये वैक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। जो फेस टैनिंग थी उनकी, वो भी क्लीन हो गई थी। तो अब मैं नोज़ पे कर रही हूँ। नोज़ पे भी जो हेयर होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो अब मैं चिन पे कर रही हूँ इनके, तो आप भी करिएगा। बस थोड़ा थोड़े ही पार्ट्स को लेके कीजिएगा फ्रेंड, ताकि उनको पेन भी ना हो और उनके अच्छे से फेस क्लीन भी हो जाए वैक्स। तो मैंने तो थोड़े थोड़े पार्ट्स लिए थे। इस प्रकार से आपको करना है इस टेक्निक से, छोटे वैक्स पट्टी को टू में डिवाइड कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, और सबसे पहले पाउडर को ही यूज़ कीजिएगा। पाउडर लगा देंगे अच्छे से, उसके बाद वैक्स लगाएंगे, तो आपके अच्छे से हेयर रिमूव हो जाएंगे। इस टेक्निक से आप कर सकते हैं। जो भी मेरे यहाँ पार्लर में वर्क होता है सैलून में, तो वो मैं आपको रियल दिखा रही हूँ, कोई वो नहीं है कि मैंने अलग से ही किया हुआ हो कुछ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपको कैसी मेरी वीडियो लगे फ्रेंड, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो उसे कमेंट मुझे करना मत भूलिएगा, और बताइएगा मेरा वर्क आपको कैसा लग रहा है, मेरी टेक्निक कैसी लग रही है। आप घर में भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। पहले तो आपको अच्छे से वैक्स गर्म करके उसे थोड़ा सा ठंडा होने हो जाए, फिर उसके बाद यूज़ करें। फ्रेंड, ये वैक्स इतना अच्छा है कि ज़्यादा हीट ही नहीं लगता स्किन में। अगर ज़्यादा हीट होगी तो फ्रेंड हमारे गेस्ट के स्किन में दाने निकल आएंगे और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इनके फेस पर अच्छे से वैक्स किया, और ये ठंडा रहता है थोड़ा फेस वैक्स, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे टैनिंग भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ओवरऑल इनका फेस पूरा क्लीन कर दिया। अब मैं फोरहेड अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और मैंने इनके ऊपर का आईब्रोज भी सेट किया था। तो मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स लेती जा रही हूँ और हेयर को करती जा रही हूँ। बस अच्छे से चिपकाइएगा और बस पुश करके क्लीन कर दीजिएगा। तो मैंने पाउडर लगाया। पाउडर लगाने के बाद, ताकि हमारी पाउडर इसलिए फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारी स्किन में ऑयली हो या ड्राई कुछ भी हो, तो उससे अच्छे से हमारे छोटे से छोटे हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। इस प्रकार से आप क्लीन कर सकते हैं वैक्स पट्टी से। तो वैक्स पट्टी को टू डिवाइस में छोटे छोटे पार्ट्स में ही करिएगा, तो जिससे कि हमारी अच्छे से हेयर निकल आए। और ये देखिए, मैंने फोरहेड में अच्छे से लगा लिया था वैक्स, अब इसे क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है, कोई वो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बस आपको वैक्स का ध्यान रखना है, आप हीट नहीं करेंगे। एक बार आपने यूज़ कर दिया फेस पे, तो दोबारा बार बार नहीं यूज़ करेंगे। बार बार यूज़ करने से उनकी स्किन निकलने का, और फ्रेंड इनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव थी, उस पर मैंने आपको वर्क करके दिखाया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लाइक ज़रूर मेरी वीडियो को कीजिए। इस प्रकार से, इस टेक्निक से आप फेस वैक्स कर सकते हैं। ये भी देखिए, मैं कितना छोटे छोटे पार्ट्स ले रही हूँ हेयर देखा, तो मैं उस पर वैक्स लगा रही हूँ और
स्टिप की हेल्प से पुश करके क्लीन कर दे रही हूँ। अब मैं बीच के इनके हेयर निकाल रही हूँ। इसमें बहुत ही सावधानी से निकालना होता है ताकि हमारे एक्स्ट्रा हेयर ना निकल जाए। तो ये देखिए, इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड, बस एक बात का ध्यान रखना है, हमारे हेयर ग्रोथ जिस तरफ होगी बस उसी तरफ ही आपको वैक्स लगाना है, उसी तरफ से ही पुश करके पट्टी को निकालना है। देखिए, इस तरफ हमारी ग्रोथ है तो हम लोग इसी तरफ ही वैक्स पट को लगाएंगे और इस तरीके से स्टिप रखेंगे और पुश करके क्लीन कर देंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए, इनके फोरहेड का भी क्लीन कर दिया और आईब्रो सेट भी कर दी मैंने ऊपर से। तो इनको बहुत अच्छा लगा वैक्स का करने का तरीका मेरा। आपको फ्रेंड कैसा लगा है आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। और इस प्रकार से मैंने इनका ओवरऑल वैक्स कंप्लीट कर दिया है, इनकी फेस वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने जेल लगा के 5 मिनट छोड़ दिया था और टोनर मैंने यूज़ किया था ताकि इनकी स्किन में जो भी जलन या कुछ भी हो रहा हो तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। जब वो मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने उसको क्लीन करके फेस पैक लगाया है और फेस पैक को 10 मिनट लगाने के बाद उसको रिमूव कर दिया, क्लीन कर दिया। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम। इस प्रकार से आपको भी लगानी है। देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गया फेस, कितना साइन एंड टैनिंग रिमूव हो गई है, ऐसा लग रहा है इन्होंने फेशियल करा रखा हो। तो पहले की वीडियो देखिए स्किन और आप देखिए आपको फ्रेंड कैसी लगी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेंड। बाय।